आप सभी लोग देखते होंगे कि जब भी हमारे देश में चुनाव होता है, फिर चाहे वो आपका लोकसभा चुनाव हो या फिर आपकी विधानसभा के चुनाव हो, तब आपने देखा होगा कि नेताओं के मुंह से आपको धर्म की बात होने लगती है, या ये क्या करते हैं, किसी खास जाति के बारे में बात करने लगते हैं। जैसे देख लीजिए आप लोग कि जब भी ओबीसी आते हैं उत्तर प्रदेश में, क्या कहते हैं, मुस्लिमों की बात करने लगते हैं। आपने देखा होगा मायावती जब कुछ कहती हैं तो मायावती क्या कहती हैं, दलितों की बात करने लगती हैं। आपने देखा होगा कि जब अखिलेश यादव बोलते हैं कुछ तो वो पिछड़ों की बात करने लगते हैं। इसी तरह से आप बीजेपी को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को, तो इसको आपने देखा होगा कि ये जब भी आती है ये अपने धर्म विशेष का बात करने लगती है। आप समझिए कि इनका अगर आपको जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण आपके दिमाग में अगर सही से समझ आ गया तो आप अपने देश की राजनीति को भी बेहतर समझ पाएंगे और इन नेताओं की नीयत को भी आप बेहतर समझ पाएंगे। क्योंकि आप देखिए कि हमारे देश में कहीं भी आपको काम के नाम पर तो वोट कम ही पड़ते हैं, शिक्षा के नाम पर कम ही वोट पड़ते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर कम ही वोट पड़ते हैं। हमारे यहाँ के मुद्दे क्या होते हैं चुनाव के, धर्म विशेष, जाति, समुदाय, इस तरह की नफरत की बात करना, और इन्हीं आधार पर आप देखते हैं कि नेता अपना वोट बैंक भी बटोर लेते हैं और सरकारें भी बना लेती हैं। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के 2022 में आपकी विधानसभा चुनाव है और सभी पार्टियों के द्वारा आप देख रहे होंगे कि जाति विशेष को अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं इनके द्वारा। अब आपके दिमाग में ये भी कई बार क्वेश्चन आता रहता है कि आखिर इन नेताओं को इससे मिलता क्या है। अभी आप देख रहे होंगे एक नाम और काफी, आप ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में काफी आप देख रहे हैं कि टीवी न्यूज चैनलों पर काफी छाए हुए हैं। एक निषाद साहब हैं, निषाद पार्टी के नेता हैं। इनके द्वारा देखिए आप लोग किस तरह की अपनी धर्म की बात, अपने मतलब जाति समुदाय की बात की जा रही है। इनके द्वारा छोड़िए आप लोग, बड़ी बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां वो भी अपना काम करती रहती हैं, जहर उगलती रहती हैं, घोलती रहती हैं। और आपको बता दूं एक बात कि उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहां लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, विधानसभा में 403 सीटें हैं और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। यानी कि आप देखेंगे कि सबसे बड़ा राज्य है एक तरह से, और ऐसा माना जाता है कि जिसने अगर उत्तर प्रदेश को अपने हाथ में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया, यहां जिसने अपनी सत्ता कायम कर ली, वो दिल्ली पर भी सत्ता कायम करने की आधा मतलब रास्ता पूरा कर चुका होता है। आप देखिए 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, 2019 में देखिए बीजेपी को अच्छा बहुमत मिला था यहां से। ये मतलब आप समझ, राजनीति को समझिए आप। तो यहां एक बार आपको उत्तर प्रदेश दिखा भी देता हूं और आपको बता दूं, खासकर आप देखिए उत्तर भारत में जब भी चुनाव होते हैं तो जाति समुदाय उभर के आ ही जाता है। बिहार को उठा के देख लीजिए आप लोग, कुछ समय पहले आपके बिहार में चुनाव हुए थे, किस तरह से आपने देखा है कि पूरा चुनाव हुआ। देखिए यह आपका उत्तर प्रदेश, समझ रहे हैं, यहां आप देखेंगे तो इसकी राजधानी लखनऊ हो गई और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि आपके पंजाब और हरियाणा में भी चुनाव होना है, तो यहां भी आप देख रहे हैं कि आपने आप पार्टी के बारे में, अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी है, तो कहते थे कि वो धर्म विशेष की बात नहीं करती है, लेकिन उन्होंने पंजाब में जाकर बोल दिया कि सिख ही प्रधानमंत्री होगा, सॉरी मुख्यमंत्री होगा। तो आप समझिए वो भी जाति पाति की बात करने लगे, और उनकी गलती नहीं मानता हूं मैं। देखिए अगर हमारे देश में अगर किसी को राजनीति में
एक तरह से अपनी पैठ बनाना है, आगे बढ़ना है, तो इस तरह के माहौल में एक तरह से घुलना ही पड़ेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब हमारे यहाँ इस तरह की राजनीति कोई नहीं करता है तो उसका भविष्य खतरे में पड़ जाता है, समझ रहे हैं? तो आप देखिए एक बार उत्तर प्रदेश को आप लोग देख लीजिए, यहाँ की जनसंख्या को, तब तो आपके मन में और भी क्लियर हो सकेगा। देखिए आप लोग, अगर 2011 में आपने देखा था कि लास्ट बार आपकी जनगणना हुई थी, अब 2021 में होनी है, लेकिन आपने देखा है कोरोना महामारी ने जिस तरह से तबाही मचाई हुई है, तो इसे बढ़ाकर 2022 में होगी, ठीक है? तो 2000 अगर हम लोग 11 की जनगणना के हिसाब से बात करें तो यहां आप देखेंगे कि हिंदू आपको 15,93,12,000 654 देखने को मिलेंगे, यानी कि 79.73% आपके हिंदू हैं। कहाँ की बात कर रहा हूं? उत्तर प्रदेश की। और अभी केस की बात करें तो अनुमानित लगाई जा रही है कि ये लगभग आप देखेंगे 18,45,79,641 जनसंख्या बताई जा रही है। अगर मुसलमानों की हम लोग बात करें तो आप देखेंगे ये आपकी 3,84,83,967, यानी कि 19.26% के आसपास है। और यहाँ आप देखें 2021 के हिसाब से तो आप देखेंगे 44,000, माफ करिए, 4,45,87,524 देखने को मिलेगी। वहीं ईसाई की आप देखें तो 0.18% यहाँ देखने को मिलेगी। टोटल जनसंख्या की बात करें सिख में आप देखेंगे तो 0.32 देखने को मिलेगी, बुद्ध में आप देखेंगे तो 0.10%, जैन में आप देखेंगे 0.11%, और वहीं आप देखें अन्य इस तरह आपकी हो गई, ठीक है? तो आप लोग सबसे जरूरी है आपको देखना हिंदू और मुसलमान, क्योंकि आपने देखा है कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते हैं तो हिंदू मुस्लिम की बात होने लगती है। और आप देखिए ओबीसी तभी आके 19%, 19-20% टोटल जनसंख्या का मुस्लिम है उत्तर प्रदेश में, इसलिए आप देख रहे हैं कि ओबीसी आके यहां चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, अपने उम्मीदवार उतारने की बात करें। और बीजेपी इस बात को समझती है कि मुस्लिमों के ना के बराबर वोट उसे हर बार मिलते हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिमों की बात करने लगती है। और आप देखिए कि 79 यानी कि 80% के लगभग आपकी हिंदू हैं। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि बीजेपी क्यों हिंदू मुस्लिम करती रहती है और ओबीसी क्यों मुस्लिम मुस्लिम चिल्लाते रहते हैं। क्योंकि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कई सीटें ऐसी हैं जिस पर मुस्लिम अच्छी खासी आबादी में वहां है और वो उम्मीदवार जीत सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर ओबीसी अपना उम्मीदवार बनाते हैं किसी को तो मुस्लिम को ही बनाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे हिंदू वोट उन्हें नहीं देगा, ये आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो जहर उगलते हैं आप सभी लोग उनसे भलीभांति परिचित हैं। तो एक बात आप में समझ में आ गई कि कई सीटें आपको देखने को मिलेंगी जहां मुस्लिम आबादी इतनी है कि अपने उम्मीदवार को चुनाव जिता सकती है। मुझे लगता है कि बीजेपी और ओबीसी को आप बेहतर समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं अखिलेश यादव और मायावती की, तो उनकी आबादी, उनकी उनके बारे में आप लोगों को यहां से मालूम चलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की टोटल मतदाता में अगर बात करें तो आप देखेंगे दलित मतदाता करीब 22% है, कितने 22% है। और इसीलिए आप देखते हैं कि मायावती की तरफ इनका झुकाव रहता है। और आपको एक और बात बता देता हूं कि 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद आपने देखा योगी आदित्यनाथ साहब मुख्यमंत्री बनते हैं, और आप देखिए 2019 का लोकसभा चुनाव, तो इसमें माना जाता है कि ओबीसी ओबीसी
ओबीसी नहीं, ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग, और जो दलित मतदाता था, इसका झुकाव बीजेपी की तरफ रहा है। इसलिए आप देखते हैं कि प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला था। और यहां आप देखेंगे जो ब्राह्मण है, जो एक तरह से जनरल में आते हैं, इनका झुकाव भी आप देखेंगे बीजेपी की तरफ रहा था। और ऐसा माना भी जाता है, देखिए इसमें कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूं आपको, सवर्णों की पार्टी मानी जाती है बीजेपी को, समझ रहे हैं आप लोग। और आप देखिए, अगर पिछड़ा वर्ग का महत्व ना होता, जाति व्यवस्था का महत्व ना होता, तो आप देखिए कि आपने देखा होगा 2017 के लोक 17 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्या के बारे में काफी आप लोगों ने सुना होगा कि एक तरह से नाम उछल के आ रहा था सीएम के लिए, केशव प्रसाद मौर्या के लिए। और कहते हैं कि इसीलिए पिछड़ा वर्ग बीजेपी की ओर लामबंद हुआ। और अभी भी आप देखिए, अभी योगी आदित्यनाथ के चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी की तरफ से किसी ने अनाउंस नहीं किया कि आगे चुनाव अगर जीतती है बीजेपी तो योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा आपने देखा होगा, किसी ने नहीं कहा अभी। तो ये बात आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। तो 22% आप देख रहे हैं कि मतदाता दलित हो गए, इनमें से आप देखेंगे 14% आपके जाटों शामिल हैं, और इसके अलावा देखेंगे बाकी 8% दलित मतदाताओं में पासी हो गया, धोबी हो गया, खटीक, मोसर, कोली, बाल्मीकि, गोंड, खरवार सहित इसमें 60 उपजातियां शामिल हैं आपकी। और आपको बता दूं, अधिकतर दलित का झुकाव आप देखते हैं, ये माना जाता है कि मायावती की तरफ रहता है। और इस बार एक और बात बताता हूं कि मायावती को टक्कर देने के लिए दलित वर्ग में से एक नया युवा चेहरा आया हुआ है, चंद्रशेखर रावण। तो आप देख रहे हैं कि इसलिए मायावती का भी राजनीतिक जीवन खतरे में लग रहा है, समझ रहे हैं। तो 22% आप लोग ये याद रखिए कि आपके दलित हैं, ठीक है, दलित मतदाता है 22% टोटल का। फिर आप समझिए आगे, फिर आप देखिए कि राज्य में करीब 45% ओबीसी मतदाता है, ओबीसी पिछड़ा वर्ग, इनमें से आप देखेंगे यादव 10% देखने को मिलेंगे। और आप सभी जानते हैं कि यादव अधिकतर अखिलेश के पक्ष में रहते हैं। फिर आप देखते हैं कुर्मी 5% देखने को मिलेंगे। इसके लिए आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं क्योंकि वो कुर्मी जाति से आते हैं। इसमें आप देखिए मौर 5% है, लोधी 4% है, और जाट 2% है। बाकी 19% में आप देखेंगे मल्लार हो गया, लोहार हो गया, प्रजापति, चौरसिया, गुर्जर, राजभर, बिंद, ब्यार, निषाद, कहार, कुम्हार सहित आप देखेंगे 100 से ज्यादा उपजातियां इसमें शामिल हैं, समझ रहे हैं आप लोग। इसीलिए आप लोग एक और ध्यान दे रहे होंगे कि छोटी छोटी पार्टियों को लामबंद करने में सभी राजनीतिक बड़ी राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई है। आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि मैं बड़ी पार्टियों से गठबंधन नहीं करूंगा, छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करेंगे क्योंकि इनके पास अपनी जाति समुदाय का वोट बैंक है, समझ रहे हैं। और आप देखिए, अगर 2017 में बीजेपी के आने का अगर कारण आप देखें तो उसमें से एक कारण ये और भी था, क्योंकि जो निषाद पार्टी थी, जो आपकी राजभर की सोहेल भारतीय सोहेल देव पार्टी, अपना दल, ये सभी आपकी बीजेपी के साथ थी। यहां आप समझ गए होंगे। अब करीब आप देखेंगे 19% के 19-20% के बाद परसेंट मुसलमान मतदाता है, टोटल में से 19-20% के आसपास आप देखेंगे मुसलमान मुस्लिम मतदाता है एक तरह से। और आप सभी जानते हैं कि मुस्लिमों का कहाँ झुकाव रहता है, या तो वो सपा में जाएंगे या आप देखेंगे बीएसपी में जाएंगे, मायावती की बात कर रहा हूँ, या फिर आप देखिए कांग्रेस में जाएंगे। और एक चौथा विकल्प उनके पास पहुंच चुका है ओबीसी। और आप देखते हैं कि इसीलिए उंगली भी उठती है ओबीसी पे कि बीजेपी की बी टीम है। क्यों उठती है?
क्योंकि आप देखते हैं कि जहां भी ओवैसी चुनाव लड़ते हैं वहां बीजेपी को फायदा होता है। क्यों फायदा होता है? क्योंकि आप देखिए, जो मुस्लिम मतदाता एक पार्टी को जाना था उसका बंटवारा हो जाता है और उनका बीजेपी का उम्मीदवार आराम से चुनाव जीत जाता है। 2017 में आपने देखा यही तो हुआ, जहां आप देखेंगे मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम उम्मीदवार जीतने के लिए, मतलब आप सोचिए उनकी संख्या है उतनी कि वो अपने उम्मीदवार को जिता सकते हैं, लेकिन वो भी सीट वो हार गए थे क्योंकि उनका वोट बैंक तीन जगह बट गया था। ओवैसी ने भी चुनाव लड़ा था 2017 में, लेकिन उन्हें काश कोई अच्छी सफलता नहीं मिल पाई थी। तो उनका वोट आप देखेंगे ओवैसी और आपकी मायावती और अखिलेश में बट गया था, और इसलिए भी बीजेपी को काफी फायदा हुआ था। यही उदाहरण आप बिहार में भी देख लीजिए, बिहार में भी तो आपने देखा कि उसका नुकसान आप देखते हैं कि महागठबंधन, जिसमें आपका तेजस्वी यादव और कांग्रेस थी, उन्हें हुआ, और इसका फायदा आपने देखा है कि बीजेपी को हुआ सामने। फिर आप देख रहे हैं कि ब्राह्मणों को, यानी कि जो जनरल कैटेगरी है, इन्हें भी लुभाने के लिए तरह तरह की बैठकें की जा रही है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ब्राह्मण ब्राह्मण है, या ब्राह्मण ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, इनका झुकाव जिस पार्टी की तरफ रहा है, कहते हैं कि उनकी सत्ता उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश में आ जाती है। अब आपको कुछ उदाहरण दे देते हैं। 2000 आप देखिए, 7 की बात कर लेता हूं, 2007 में आप देखेंगे 56 उम्मीदवार उतारे थे किसने? मायावती ने, जब मायावती की सरकार बनी थी 2007 में, और 2012 तक आपने देखा है कि मायावती मुख्यमंत्री रही है उत्तर प्रदेश की। तो इसमें से 41 ब्राह्मण चुनाव जीते थे। और आप देखिए कि अखिलेश ने अच्छा खासा 2012 में इन्हें चुनाव में उतारा और 21 उम्मीदवार उनके विजयी हुए। 2017 में आप देखिए बीजेपी ने 58 ब्राह्मण मतलब जीत के आए, और कई आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री भी हैं। और आप देख रहे हैं कि इसीलिए एक प्रसाद है, जितन प्रसाद, उन्हें बीजेपी ने अपने अंदर लिया है कि इसलिए ब्राह्मण एक तरह से, जो भी ब्राह्मण हैं ये उनकी तरफ आ जाए, क्योंकि इनमें कहा जा रहा है कि इनमें गुस्सा है, ऐसा है वैसा है। वो देखिए तो आप लोग भी जानते होंगे, तो इनकी कहानी भी एक है। इसमें आप देखेंगे 12 से 15% के पास इनके पास मतदाता है, इसमें अन्य आपकी जातियां भी शामिल हैं। और 3% आप देखेंगे ठाकुर हैं, कितने? टोटल 3%। तो इनका झुकाव भी आप देखेंगे बीजेपी की तरफ खासा रहता है। अब आप लोगों ने ये सभी देख लिया कि इनका कितना परसेंट है, कि इनका वोटर कितना है। अब आप समझिए, 23% अगर किसी को मतदान, मतलब चुनाव में वोट मिल जाते हैं, तो लगभग आप देखिए कि वो सत्ता में आ चुका होता है। आप समझ रहे हैं? 2017 के भी बता देता हूं आपको, आपको बता दूं कि 39% वोट मिले थे बीजेपी को, क्योंकि उस समय बात ही अलग ही थी, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा है कि हवा चल रही थी बीजेपी की, और सभी आपने देखा है, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, या फिर कांग्रेस हो, सभी उड़ गए उस हवा में। लेकिन फिर भी आपको बताऊं कि बीएसपी को आपके 22-23% के करीब वोट मिले थे, एसपी को आप देखेंगे 21.82-21-22% ने भी वोट मिले थे, कांग्रेस को भी आप देखेंगे कि 6-7% वोट मिले थे। समझ रहे हैं? एक आरएलडी भी है, जयंत चौधरी की, इन्हें भी आप देखेंगे 2% के करीब वोट मिले थे। लेकिन आप लोगों ने एक ध्यान दी होगी बात कि 39% मिले थे वोट किसे? बीजेपी को। यानी कि आप समझिए कि 60% मतदाता इनके खिलाफ थे। तो ये बात आप समझ भी रहे होंगे। तो ये है जाति समीकरण का मामला। अगर 30% आप देखिए कि अगर कोई पार्टी वोट लाती है तो वो सत्ता में आ जाती है,
30-35 इतना ही टोटल रहता है। तो आप समझिए कि ऐसा माना जाता है कि आप सोचिए कि मुसलमान 19% मुस्लिम है, इसमें से अगर अखिलेश यादव को आप देखते हैं कि देखिए मुस्लिमों में से अधिकतर आप देखते हैं कि अखिलेश यादव के पक्ष में जाते हैं, और आप सोचिए कि उन्होंने अगर ओबीसी को भी मतलब ओबीसी पिछड़ा वर्ग को भी अपने साथ ले लिया तो आप सोचिए कि उन्हें भी आसानी से जीत मिल सकती है अगर उन्होंने मेहनत कर ली तो। और आप देखिए अगर मायावती की बात करें तो 22% दलित मतदाता है, इसलिए आप देखते हैं कि दलितों की बात करती रहती हैं कौन, मायावती जी। तो इन सभी जातियों को एक तरह से बहलाना फुसलाना है इनका। अब कौन कितना लामबंद कर पाता है, वोट बैंक में कितना कन्वर्ट कर पाता है, कितना परिवर्तित कर पाता है, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। लेकिन जातीय समीकरण इनका यही है। अगर आप सोचिए कि जाति व्यवस्था होती ही नहीं, सभी उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि जितने भी आपकी 19-20 करोड़ जनसंख्या है सभी एक ही जनसंख्या होती, मान लीजिए इंसानियत मानवता रख दीजिए आप सबका नाम सभी धर्म का, आप सोचिए फिर बांट पाते ना, तो मायावती के दलितों की बात करती ना ही आप देखिए कि जो ओबीसी हैं वो मुस्लिमों की बात करती, और ना ही बीजेपी आपकी हिंदू मुस्लिम की बात करती। फिर आप देखते कि वोट चुनाव होता आपका मुद्दों के नाम पर, काम के नाम पर, रोजगार के नाम पर, शिक्षा व्यवस्था के नाम पर, स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर, ये हाल है। और जाति व्यवस्था जब तक रहेगी तब तक यही हाल रहेगा। एक नेता दूसरे के तहत तरह तो मतलब आप सोचिए जहर उगलते रहेंगे, तरह तरह की बैठकें भी करते रहेंगे, सम्मेलन भी करते रहेंगे। अभी आपने सुना कि उत्तर प्रदेश में जो बहन जी है मायावती साहब, मायावती जी, ये एक तरह से ब्राह्मण निकल जाता है, ब्राह्मण सम्मेलन करने की बात कर रही थी। आपने देखा है कि अखिलेश यादव ओबीसी को जोड़ने की बात कर रहे थे, कोई जाट आंदोलन की बात कर रहा है, और आप देख रहे हैं कि बीजेपी भी इन छोटे छोटे दलों को अपनी तरह तरफ लाने की बात कर रहे हैं, तरह तरह की इन्हें एक तरह से प्रलोभन दिए जा रहे हैं। किसी तरह से इन्हें सभी जातियों में से 30% वोट अपने, 30-35% वोट अपने खाते में चाहिए, सीधा सा समीकरण यही है। अब इसके लिए क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं, क्या क्या नहीं अपनाते हैं, ये अलग बात हो जाती है। फिर चाहे दलित कितने बीजेपी के साथ जाते हैं, मायावती के साथ जाते हैं, ये तो चुनाव के रिजल्ट के बाद ही हम लोग देख पाएंगे। खैर छोड़िए, आप लोगों ने देख लिया होगा जाति व्यवस्था क्या है, उत्तर प्रदेश में जाति का कितना वर्चस्व है, कितने परसेंट कौन जाति है, कौन क्या है। ठीक है,